5.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड में भी और रावलपिंडी बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स में भी, तो जिनमें से क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 इनमें से कोई एक आता है, सो इसके मेथड को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। मैक्सिमाइज दिस जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसका यूज जस्ट एंड में होगा, इनिशियली हमने 5.1 और 2 मेथड को ही प्रोसीड करना है। अगर हम इन इक्वेशन को देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये कंडीशंस हैं। बेसिक फ्रेमवर्क मैंने अगेन सॉल्व कर लिया है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट किया, सॉल्व करके x 3 आया और y भी 3 आया। टेस्ट पॉइंट चेक किए तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट की इनइक्वालिटी में 1 में, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हिच इज फॉल्स बिकॉज 0 3 से बड़ा नहीं है। रफ सा ग्राफ बना लिया, x पे 3 एंड y पे भी 3, और बिकॉज ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी इस साइड पे, राइट। लाइन नंबर 2 पे आ जाते हैं, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर दिया, एंड सॉल्व करके x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 7। टेस्ट पॉइंट के लिए हम लोगों ने x y दोनों 0 पुट किए इक्वेशन नंबर 1 में, सो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35, सो 0 लेस देन इक्वल टू 35 विच इज ट्रू। इसका भी ग्राफ बनाते हैं, एक्स पे भी एक्स पे 5 इंटरसेप्ट है और वाई पे 7 इंटरसेप्ट है, सो एक्स पे 5 है एंड वाई पे 7 है, अगर हम इन्हें रफली ज्वाइन करें यूं, सो यू लाइन बनेगी और बिकॉज इट इज ट्रू, तो ट्रू के लिए शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, ओरिजिन के साइड पे। नाउ कंबाइंड ग्राफ की तरफ अगर जाएं हम लोग कंबाइंड ग्राफ पे, तो कंबाइंड ग्राफ इसका कोई यू बनेगा, कंबाइंड ग्राफ कुछ यू बनेगा, बिकॉज ये फॉल्स था तो ये अबव था इस साइड पे था, और वो ट्रू था तो ये ब्लो होगा, तो दोनों का जो कंबाइंड रीजन है वो यहां आएगा। अगर हम कंडीशंस चेक करें तो कंडीशन थी कि एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, सो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव तभी होंगे जब इस शेडिंग को, जो कंबाइंड शेडिंग है, इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1 से, मीन्स हम जस्ट इसे शेड करेंगे जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस साइड पे बस, राइट इस साइड पे, बिकॉज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सेकेंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी नहीं जा सकते, राइट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल बी द फर्स्ट लाइन विच इज एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड दिस इज सेकेंड लाइन विच इज 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। सो अब कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स इसमें इजी है बिकॉज ये लाइन एक्सेस को तो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन आपस में दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो तो हम साइमल्टेनियस मेथड के थ्रू कटिंग करवा के निकालते हैं वैल्यू, ये अभी आपस में कट नहीं कर रही, सिर्फ इन पॉइंट्स पे कर रही है जो कि शेडिंग रीजन में आ रहे हैं, बिकॉज कॉर्नर पॉइंट्स शेडिंग रीजन में ही होते हैं, सो एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो जाएगा हमारे पास, इसको ए का नाम दे देते हैं बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे है तो 3,0, एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा ये वाला 5,0, इसको बी का कह देते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा सी दिस वन 0,3, एंड एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा ये वाला 0,7। सो ये तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए आपके पास, सीपी कॉर्नर पॉइंट्स, लेकिन अब बचा जो लास्ट में स्टार्ट में दिया हुआ था, मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें फंक्शन को, तो अब उसको यूज करना है, इन जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको वन बाय वन उसके अंदर सब्सटीट्यूट करना है। सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज 3,0 विच इज ए, इसको प्लग इन करना है हमने जो हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए एक फंक्शन दिया होता है 2x प्लस वाई, इसमें x की जगह आपने 3 पुट करना है, y की जगह 0, सो z इक्वल्स टू 2, 3 प्लस y की जगह 0, सो 2, 3 टाइम 6 प्लस 0, तो z इक्वल्स टू 6, राइट।
देन सेकेंड कॉर्नर पॉइंट विल बी बी. सेकेंड कॉर्नर पॉइंट क्या था, 0.3 बी इज 0.5, 0 बी इज 5.0. सो 5.0 अगर हम इसको इसमें प्लग इन करते हैं, सो 2 एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 0. सो 2 5 टाइम इज 10. सो जेड इज 10 एट दिस कॉर्नर पॉइंट. देन हम सी पे जाते हैं, सी इज 0.3 और इसको प्लग इन करते हैं इसमें, 2 × 0 + 3, 3 आ जाएगा. एंड फोर्थ इज 0.7. सो जेड इज 2x + y, 2 0 + 7 विच इज 7. सो ये वन बाय वन करके हम लोगों ने तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को इक्वेशन में प्लग इन कर दिया. अब जस्ट क्योंकि हमने बताना था कि ये मैक्सिमाइज कब हो रहा है, सो मैक्सिमाइज हमें ये चेक करना है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है. फर्स्ट वन पे 6 आ रही है, सेकंड पे 10 आ रही है, थर्ड पे 3 आ रही है एंड फोर्थ पे 7 आ रही है. तो बी पे ये 10 दे रहा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है. तो ये वाला जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, ये इसे मैक्सिमाइज कर रहा है. जस्ट अगर वो पूछते हैं मिनिमाइज कब कर रहा है, तो मिनिमाइज के लिए सबसे स्मॉलर वैल्यू पे आ जाते जो कि यहां पर आ रही है, तो यहां पर हम लिख देते मिनिमाइज. सो ये 5.3 के क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होंगे. और अगर ये कॉर्नर जो लाइंस हैं अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी आपस में, जस्ट एक्सिस से गुजर रही थी, अगर ये आपस में भी इंटरसेक्ट करेंगी तो आपने, अगर हम लोग यूं बना लें इन्हें, ठीक है, और ये यूं बना लें, सही है, यूं बना लें तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये वाली कॉर्नर पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा साइमल्टेनियस मेथड से, राइट, जो कि अभी नहीं कर रहा था तो अभी काफी ईजी था.